बहुत छोटा सा सवाल पीछे लौटना चाहता था कि आप कम्युनिस्ट कैसे बने? आपका गांव तो बहुत पिछड़ा हुआ और सामंती ढांचे वाला रहा है, तो वहां से निकलकर आप साम्यवादी विचारधारा से कैसे प्रभावित हुए इसके बारे में? ऐसा है मदन जी कि मेरे पिताजी के घनिष्ठ मित्र श्रद्धेय कांता प्रसाद विद्यार्थी गांधीवादी थे, बहुत पुराने 1920 से जी। तो पिताजी के साथ में उन्होंने कहा बेटे को ले आओ, तो वह लगभग उनके घर का सदस्य हो गया था।
उनके कारण मैंने बहुत कम उम्र में, वो खादी पहनते थे, पिताजी तो नहीं पहनते थे, तो मैं बहुत छोटी उम्र में 5-6 साल की उम्र में मैं खादी पहनने लग गया। और मैंने अपनी आंखों विद्यार्थी जी के यहाँ नमक सत्याग्रह आंदोलन बगीचे में हुआ था वो देखा है, मैं देखने गया था जी। फिर 1941 का आंदोलन गांधी जी ने चलाया कि इस अंग्रेजी लड़ाई में किसी तरह की मदद देना पाप है, 4 लाइन का वक्तव्य लिख करके लोग भाषण देते थे और जेल चले जाते थे। तो वो लिख करके हमारे सहपाठी थे मांगू सिंह, तब मैं मिडिल में पढ़ता था, विद्यार्थी जी के कारण गांधीवाद का मेरे ऊपर और स्वाधीनता संग्राम का असर पड़ा। और 1942 का जो आंदोलन हुआ था, धानापुर थाना हमारे यहाँ का, मैं गया था वहाँ, संयोग से ही मेरे सहपाठी मांगू सिंह को गोली लगी, बेचारे मर गए, मैं उनके पीछे था, जमीन पर गिर पड़ा तो बच गया। ये क्या कोई आंदोलन वगैरह? 42 में थाना पर कब्जा किया गया था, 1942 में धानापुर थाना पर कब्जा किया गया था। तब आपकी उम्र? मैं 15 बरस रही हूँ। हाँ, लगभग वही समझ लीजिए, मैं 8वीं में पढ़ता था, 15 हुआ, 27 का जन्म, 15 बरस रही हूँ। तो 15 बरस की हमारी उम्र थी, मैं कॉलेज स्कूल बंद हो गया था, मैं गया था गाँव अपने, और गांव चला गया तो हमारे गांव से होते गए थे विद्यार्थी जी, हमारे घर रहने वाला रघुनाथ सिंह वो मारा गया था, तो गांधीवाद का प्रभाव था जी। उस गांधीवाद के प्रभाव के कारण उदय प्रताप कॉलेज में जब मैं आया, तो उदय प्रताप कॉलेज में हमारे यहाँ अमृत राय इलाहाबाद से पढ़ाई खत्म करके आए थे और कम्युनिस्ट पार्टी में होल टाइमर हो गए थे, शिवदान सिंह चौहान जेल चले गए थे, उनसे भी उनका मेरा परिचय यहीं हुआ, त्रिलोचन जी से परिचय हुआ 1942 में। तो यूपी कॉलेज में आम तौर से, और हमारे हिंदी के जो थे मार्कंडे सिंह जी, उनके वो एक प्रगतिशील लेखक संघ कायम हुआ, तो हम सदस्य थे हम लोग। शिवदान सिंह चौहान को पहली बार, शमशेर को मैंने वहीं देखा, तो प्रगतिशील लेखक संघ का मैं सदस्य बन गया उदय प्रताप कॉलेज में रहते हुए। ये 1942-43 की बात है जी। और उसके बाद अमृत राय अखबार लेकर के आते थे हमारे यहाँ, 5-6 आदमी हम लोग जो थे विद्यार्थी, उनको अखबार देते थे, उस समय निकलता था लोकयुद्ध, तो लोकयुद्ध हम खरीदते थे, चंदा ले गए थे वो जी। उसके द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी के लिए उस विचारधारा, और आ करके वो हफ्ते में एक दिन आते थे, हम लोग को बटोर करके, जिसको कहते हैं क्लास लेना, वो अखबार पढ़ के पर्चे ही बांटते थे। तो 1945 यानी 43-44 से ही लगभग हमारे यहाँ, और हमारे जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे मार्कंडे सिंह जी, वो उपाध्यक्ष थे प्रगतिशील लेखक संघ जी, जी, जी। नंदूलाल रे वाजपेयी उस समय काशी प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष थे, तो और हमारे यहाँ हमसे सीनियर थे सागर सिंह नागर, तो कविता लिखते थे, शंभुनाथ सिंह थे जी। ये सब लोग प्रगतिशील लेखक संघ में, त्रिलोचन जी थे जी जी, तो त्रिलोचन जी, शंभुनाथ जी, ये सब लोग प्रगतिशील लेखक संघ में थे। चंद्रबली सिंह थे नहीं? थे नहीं, तब तक वो आगरा में, बाद में थे, वो इलाहाबाद में थे, इलाहाबाद से आगरा चले गए। चंद्रबली सिंह जी 1951-52 में आए हैं। लेकिन उस लिए, इसलिए जब आपने पूछा जी, तो गांधी जी के रास्ते चलते हुए, उस रास्ते चलते हुए लेखक संघ में आकर के, और उसके बाद फिर कम्युनिस्ट पार्टी, और फिर इन लोगों के कारण वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर के आगे एक अंग्रेजी किताबों की दुकान हुआ करती थी, सस्ती मिला करती थी, तो कुछ खरीद लिया करते थे। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 1946 में इल्यूजन एंड रियलिटी, जो मैं समझ ही नहीं सकता था, वो सस्ती मिलती थी, खरीद लिया था कि भाई खरीदना कार्डवेल का नाम, क्योंकि कार्डवेल पर एक लेख हंस में शिवदान सिंह चौहान का छपा था। ये होता है, तो हंस के कारण जी, ये होता है, ले लिया था ये, उस हंस के कारण, और ये जो मंडली थी इसके कारण मैं प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ा, और आगे चल करके प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ने के कारण क्रमशः फिर कम्युनिस्ट पार्टी के नजदीक आया। अब तो चुनाव भी लड़े आप, तो नहीं देखो, तो बहुत बात की। पार्टी के कार्ड होल्डर कब बने? जब चुनाव लड़ना हुआ, तब उस समय 56 का, नहीं नहीं वो तो 62 के बाद का मामला। हमारे डॉक्टर साहब,
1957 जब लड़ना हुआ तो उस समय लोगों के साथ विश्वनाथ जी मौजूद हैं और यहाँ मौजूद लोगों में जाहिर है कि अकेले हैं जिन्होंने नामवर जी को शब्द के अविधा परक अर्थ में युवा के रूप में भी देखा है, छात्र के रूप में भी देखा है। और मेरे ख्याल से नामवर जी के यहाँ मौजूद तीन छात्रों में से सबसे वरिष्ठ छात्र आप ही हैं। तो छात्र नहीं, मित्र कहिए। नहीं नहीं, मित्र और मित्र तो हैं ही। तो उस रूप में कभी मैंने जाना ही नहीं जी। कि विश्वनाथ जी छात्र। तो मैं इसलिए ये बात कह रहा था डॉक्टर साहब अभी कि मुझे ऐसे ही बात करते करते आपका लिखा एक वाक्य याद आया जो नामवर जी पर लिखे एक लेख में आपने लिखा था, और उस शिकायत को दोहराते हुए जो नामवर जी के सभी प्रशंसकों को रही है कि बहुत कम लिखा, बोलने में ज्यादा समय दिया। तो उस लेख का संभवतः अंतिम वाक्य था या अंतिम से दो एक वाक्य पहले का वाक्य था कि ये शिकायत बहुत लोगों से नहीं की जाती कि उन्होंने कम लिखा। मैं खुद कह रहा था बहुत लोग तो कम, वो वाक्य मैं कभी भूलूंगा नहीं। आप चर्चा कर रहे थे BHU के उन दिनों, हाँ, तो उसके बारे में जी। तो आप प्रश्न तो मैं कर ही चुका हूँ। एक तो वो आपने बताया कि आप कविता से आलोचना की तरफ जो उस समय प्रगतिशीलता का एक तरह से विरोध हो रहा था कई पत्रिकाओं में कई लोगों द्वारा, तो एक तरीके से उसके उसने आपको उकसाया का विवश किया और एक नैतिक चुनौती भी जो आपकी आलोचना की ओर आप एक नैतिक चुनौती के रूप में आप कहें तो ऐतिहासिक आवश्यकता के रूप में आप उधर आए। लेकिन अध्यापन के बारे में मैं हमेशा मेरे मन में बात रहती है कि एक इतना अच्छा अध्यापक वो किन लोगों को अच्छा अध्यापक मानता है जी। ये मेरे मन में एक बहुत बड़ी, क्योंकि जीविका तो मेरी, मैं अध्यापक ही रहा हूँ, आप भी अध्यापक रहे हैं, और वो जैसे आप कहते हैं कि वो लेजेंडरी अध्यापक वहाँ, आप ये कल्पना कीजिए कि हम लोग कभी कभी बात करते हैं कि भाई ये अच्छा अध्यापक होते, आप कल्पना कीजिए कि जब पंडित रामचंद्र शुक्ल जहाँ पढ़ाते हों वहाँ उनकी तरह पढ़ाने का या उनसे अच्छा अध्यापक होने की क्या स्पर्धा और क्या स्पर्धा होती है। तो कैसे आप उनके बारे में सोचते हैं, अध्यापक के बारे में जी? कि मैं एक अध्यापक का बेटा हूँ जी। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के शिक्षक थे जी। जाने क्यों मेरे मन में उस समय तो नहीं, लेकिन जब उदय प्रताप कॉलेज में पढ़ने आया तो स्कूल में, हाई स्कूल में मुझे इतने अच्छे अध्यापक मिले, हिंदी के मार्कंडेय सिंह जी, अंग्रेजी के जगदीश प्रसाद सिंह और संस्कृत के पंडित विजय शंकर मिश्र जी। और तीनों ने अपने विषय में कुछ साहित्यिक कृतियों, साहित्य में इतनी रुचि पैदा की। मार्कंडेय सिंह जी तो साहित्य रत्न के परीक्षक वगैरह हुआ करते थे और अनेक लोगों की बताते थे कि हमने वाग्जाल के घोर विरोधी थे वो। तो नंदुलारे वाजपेयी पेपर सेटर थे और ये उसके प्रधान थे, और उन्होंने कहा कि 6 लाइनों में उन्होंने सवाल पूछा था, मैंने काट के उसको 1 लाइन में कर दिया मॉडरेट करके। नपातुला ठह के बोलते थे और उन्हीं के साथ पढ़ाने वाले अंग्रेजी के एक और थे तारा प्रसाद सिंह, उनके बारे में अनेक किंवदंतियां थी। लाल स्याही से रंग देते थे और कहते थे क्लास में कि आपने इतने खून किए हैं। क्या बात। और वो प्रिंसिपल JP सिंह जो आगरा से पढ़ के आए थे, वो भी अंग्रेजी के एमए थे लेकिन थर्ड क्लास एमए थे, लोग कहा करते थे, तो आमतौर से कहते थे कि इसको इंग्लिश नहीं आती है क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ नहीं है, इसको अंग्रेजी नहीं आती, वाग्जाल बहुत है इसमें। पंडित विजय शंकर मिश्र ने संस्कृत में जो रुचि पैदा की, तो मैं तो संस्कृत पढ़ने जा रहा था, MA संस्कृत से करने वाला था। वो तो भला हो कि पंडित केशव प्रसाद मिश्र उस समय हमारे संस्कृत के पंडित जी रिटायर होकर चले गए, तो तब मैंने बदल दिया, मैंने हिंदी में करने का तय किया। बहरहाल तो एक तो स्कूल में 3 अध्यापक बहुत अच्छे मिले,
बहुत साहित्यिक रुचि पैदा करने वाले और साहित्य में गति पैदा करने वाले, जिस कवि को नापसंद करते थे, मैंने कामायनी कवि के आठवीं में आंसू और कामायनी मैंने पढ़ा था। उन्होंने कहा कि चाहो तो तुम रतन की परीक्षा बैठ सकते हो। उन्होंने कहा परीक्षा उक्षा नहीं दूंगा। किस कवि को नापसंद करते थे वो? अरे वो बताइए ना। माखनलाल चतुर्वेदी को। हाँ, एक जगह कविता आती थी, क्यों उषा ने छिड़क दिया, तो वो रंग छिड़कने का था, तो उषा ने छिड़क दिया, तो उन्होंने कहा कि उषा ने छिड़क दिया। वो कविता मेरे लिए, क्यों उषा झाड़ू फेर चली, बोले मेहतारानी बना दिया उषा को। कोई शब्दों का सौंदर्य बोध का ज्ञान नहीं है। कुछ कवियों के बारे में अरुचि पैदा की उन्होंने। तो हमारे ऐसे अध्यापक बड़े निर्भीक, वे प्रसाद जी को कवि मानते थे, पंत जी की कुछ कविताओं को मानते थे, सबको नहीं, और प्रेमचंद के मुरीद के साहित्यकार हो तो प्रेमचंद हमारे यहाँ कॉलेज में कई बार आ चुके थे जी। तो ये अध्यापक हमको स्कूल में इतने अच्छे मिले और जिसके कारण हिंदी में रुचि गति हुई और संस्कृत में हुई। विश्वविद्यालय में जो आप कह रहे थे, तो विश्वविद्यालय में जब मैं आया तो उससे पहले से बनारस की गोष्ठियों में मैं जाता था, तो विश्वनाथ जी को तो जानते थे, उनके साथ गोष्ठी में बैठना, उनको सुनना, बल्कि सातवीं परीक्षा में प्रतियोगिता हुई अंतर क्या होती है, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंताक्षरी, तो पंडित विश्वनाथ जी ने घनानंद कवि तो मुझे तत्काल प्रकाश संपादित किया था, वो एक प्रति भेंट की थी, आज भी मेरे पास सुरक्षित है। तो आया तो साहित्यिक गोष्ठियों में जाता ही था, विश्वनाथ जी को जानता था मैं, केशव जी को जानने का मौका नहीं मिला था कभी। तो वहां जाकर के पंडित विश्वनाथ जी कि जो मैंने कहा ना, गोष्ठियों में रीतकाल की कविताएं बहुत सुनाते थे, व्याख्या करते थे, काशी की गोष्ठियों में उनसे तो संबंध बन गया था। केशव जी कहीं जाते ही नहीं थे, तो उनके यहाँ उनसे बीए में जो उन्होंने पढ़ाया और तब किंवदंतियां उनके बारे में मालूम हुई कि जयशंकर प्रसाद ने वो अपनी कामायनी लिखते थे और इनको सुनाते थे, पूरी कामायनी सुनी थी उन्होंने, बीए में भी उन्होंने पढ़ाया और एमए में पढ़ाया उन्होंने। आवाज कभी ऊंची नहीं होती थी, तन्मय होकर के डूब के पढ़ाते थे एक एक शब्द को, चाहे वो अयोध्या कांड का भरत चरित हो, चाहे रीतिकाल के कवि हो, चाहे निराला हो, निराला की राम की शक्ति पूजा उन्होंने ही पढ़ाई थी, उन्होंने पढ़ाई थी, और उन्होंने ही पहली बार कई कविता छपी थी, तो रसायन में शामिल कर लिया, बांधो नाव स्थाओ बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु, ये कविता उन्होंने शामिल की पाठ्यक्रम में बीए के। अच्छा, उन दिनों तुरंत छपी थी तो छपी, तो उनका रेंज ये था जी, प्रसाद जी की कामायनी से लेकर के निराला की प्रकांड भाषाविद और भाषा विज्ञान प्रकांड अनेक भाषाएं जानते थे। तो पंडित जी के आने के पहले हमारे गुरु तो केशव जी ही थे, और जिस दिन एमए की परीक्षा थी फाइनल हमारी, उसी दिन उनकी मृत्यु हुई है। भाषा विज्ञान का पर्चा जिस दिन था, उस दिन पर्चा देकर के आया, तब मालूम हुआ कि दोपहर पर्चा खत्म हुआ तो मालूम हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई, तो दौड़े दौड़े हम लोग गए, हरिश्चंद घाट पर उनको जलाया गया था, तो भागे भागे हम गए, देख नहीं सके थे, और तो मंगलदेव शास्त्री को परीक्षक बनाया गया, उन्होंने पर्चा डाला। भाषा विज्ञान में रुचि हुई और मैंने तय कर लिया था कि आगे चल करके जब अध्यापक बना तो मुझे एमए का कोर्स केवल अपभ्रंश भाषा विज्ञान पढ़ाने के लिए मिला जी। मैंने पढ़ा आपसे उस जगह पर, अपभ्रंश मैंने पढ़ा। पंडित जी ने कहा कि अगर विश्वविद्यालय में तुम अध्यापक होना चाहते हो तो भाषा विज्ञान पढ़ो, अपभ्रंश पर तो तुमने निबंध ही अपना लिखा, अपभ्रंश तो ठीक है, लेकिन अपभ्रंश तो आधा पर्चा हुआ, वैकल्पिक है,
भाषा विज्ञान, तो मैं समर स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स अटेंड करने पंडित जी ने हमको डेक्कन कॉलेज पुणे भेजा। अच्छा अच्छा। कि तुम समर स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स में भाषा विज्ञान प्रशिक्षण ले करके आओ। डॉक्टर कात्रे ने मुझे पढ़ाया, सुनीति कुमार चटर्जी से मैंने पढ़ाया, सुकुमार सेन ने पढ़ाया मुझे। तो उन लोगों से भाषा विज्ञान पढ़ा करके, और अमेरिकन आए थे, फोनिक्स बाल्ड आया था, उसने पढ़ाया था। तो ये गुरु जो मिले वो एक जो पंडित परंपरा काशी की थी, टेक्स्ट पढ़ाने वाली, भाषणबाजी नहीं। केशव जी कभी व्याख्यान देते ही नहीं थे, टेक्स्ट पढ़ाते थे। विश्वनाथ जी कभी व्याख्यान नहीं, बिहारी पर कोई भाषण नहीं दिया, केवल टेक्स्ट पढ़ाते थे सीधे दोहे को। मेरी भाव बाधा हरो को उन्होंने 3 घंटे पढ़ाया, 3 दिन एक दोहे का अर्थ किया। अंत में बोले कि एक वानगी दे दी है आप लोगों को कि ऐसे पढ़ा करते हैं लोग कविता। आचार्य द्विवेदी के बारे में, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में आपने पंडित जी का कोर्स कभी खत्म नहीं होता, ऐसे पढ़ा करते हैं कविता। किशन जी के बाद आचार्य द्विवेदी के बारे में, पंडित जी आए तो पंडित जी को पता तो था। पंडित जी को इन लोगों ने कबीर पढ़ाने के लिए दिया, कबीर पर काम किया है तो कबीर को पढ़ाते ही पंडित जी। लेकिन पद्मावत कभी नहीं पढ़ाया था पंडित जी ने, पद्मावत पढ़ाया उन्होंने, पद्मावत दे दिया इन लोगों ने, पढ़ाओ पद्मावत, कबीर तो ठीक है कबीर तो पढ़ाते हो, पद्मावत पढ़ाया। और उसी के बाद आप देखें तो पंडित जी ने जायसी पर एक नए ढंग से विचार किया था, और इत्तेफाक से उन्हीं से प्रेरित होकर के वासुदेव शरण अग्रवाल ने पद्मावत की टीका लिखना शुरू किया। अच्छा, उनसे प्रेरित होकर। हाँ, ये मैंने जानता, ये महत्वपूर्ण बात हुई कि वासुदेव शरण जी तो का विषय दूसरा था, पंडित जी के बगल में उनका क्वार्टर था, रोज ही मिलते थे। मैं अपभ्रंश का कुछ होता था तो मैं पढ़ने के पूछने के लिए कहते थे जाओ वासुदेव शरण जी से पूछाओ, तो वासुदेव शरण जी के यहाँ जाता था। तो बोले काहे पर करना काम करना चाहते हो, तो मैंने कहा इसके बाद सोचा मैं कीर्तिलता पर काम करूंगा। वो काम बाद में शिव प्रसाद जी ने किया, और मैं पृथ्वीराज के रासों का काम सुनिधि बाबू ने भगा दिया मुझको। तो जब मैंने नहीं किया तो बोले वासुदेव शरण जी की मैं कीर्तिलता पर काम करूंगा। बाद में किया भी उन्होंने, किया उन्होंने। फिर पद्मावत पर जब पंडित जी से ये बात होती थी, एकाची पूछने के लिए जाता था, तो उन्होंने कहा कि उसी समय संयोग से बाबू मैथिली शरण जी गुप्त आए थे रायकृष्ण दास के यहाँ चिरगांव झांसी में, और वचन ले लिया उन्होंने कि हमको पद्मावत का माता प्रसाद गुप्त की किताब आई थी और बहुत दुखी थे पाठालोचन के पाठालोचन से बाबू वासुदेव शरण जी। तो वहाँ पंडितों के बीच में चर्चा हुई, लोगों ने वासुदेव शरण जी से कहा कि आप क्यों नहीं पद्मावत का काम करते। वासुदेव शरण जी जुट गए, बोले अच्छा कीर्तिलता पर बाद में करूंगा, पहले पद्मावत पर नहीं पढ़ लू संजीवनी टीका। ये पुरुषोत्तम जी एक मिनट, तो ये लोग बनारस की जो परंपरा थी पुरुषोत्तम जी, जी ज्यादा भटक न जाऊं, जो इलाहाबाद से भिन्न करती थी, क्योंकि हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी जाते थे, तो उन सबों से कहते थे कि क्या तुम लोग साहित्य इतने पढ़ो, टेक्स्ट तो तुमको आता नहीं है, पाठालोचन खाली करते हैं माता प्रसाद जी, पाठ पढ़ाते तो नहीं है। काशी की ये खूबी थी हमारे यहाँ विश्वविद्यालय की कि टेक्स्ट पर कमांड आपका होना चाहिए, हवाई आलोचना जो है वो तो कोई भी लिख सकता है। डॉक्टर साहब, ये ऐसा मुद्दा है कि इस पर मैं आपसे अगली बार बात करूंगा और कुछ आलोचनात्मक ढंग से बात करूंगा, क्योंकि टेक्स्ट की ये परंपरा जेएनयू तक पहुंची या नहीं पहुंची, ये एक सवाल मेरे मन में हमेशा रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ ज्यादा अध्यापन परक बातचीत हो रही है। मदन जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि जिस तरह से आपने तीन दौड़ आपने जो कहे ना, तो ठीक था, बहुत अच्छा कि पहला दौड़ 67 में खत्म हो जाता है, और कई मायने में वो है, उसमें बहस के केंद्र में परिमल बनाम प्रगतिशील है, तो 67 के बाद के दौर पे बहस के केंद्र में कौन सी बात थी, कौन सा मुद्दा था इसको? 67 के बाद वाला जो दौर आया, जो मैंने बताया आपको कि एक अंध विद्रोह का था, उस पर आलोचना में मैंने लेख भी लिखा है, कुछ जो नक्सलवाड़ी था उसका भी अंत हुआ,
और अंत होने के बाद लगभग आप देखें तो वो पूरी पीढ़ी सर्वेश्वर जी बल्कि उसमें रंग गए थे काफी दूर तक वो शामिल थे। लेकिन उसका कुछ असर विद्रोह का युवा पीढ़ी मैंने युवा काव्य पर भी आलोचना में एक अंक निकाला था, कविता पर भी था, कविता और राजनीति पर भी था। उसके बाद आप देखें तो लगभग जो दूसरा दौर आया आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय वाला था, वह 70 का पूरा दशक जिसको मैं रघुवीर सहाय का दौर कहूँगा, 70 का भरा पूरा दशक जी। इमरजेंसी खत्म हुई, फिर इंदिरा जी आईं और इंदिरा जी का गहरा लगाव था, उन्होंने दूसरी बार जो बनी है तो दोबारा जब सत्ता में आई तो कवियों साहित्यकारों को अपने घर दो बार बुलाया था, सन 80 के बाद। हाँ, 80 के बाद बुलाया था उन्होंने, और रघुवीर जी भी गए थे उसमें, श्रीकांत जी थे, दोनों में पट्टी नहीं बैठती थी। लेकिन ये दौर और उस रूप में देखें तो लगभग 80 का दौर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि साहित्यिक राजधानी एक नई बन गई थी भोपाल में, अशोक वाजपेयी का दौर था, बहुत सक्रिय था भारत भवन, बल्कि थोड़ा 80 के बाद हुआ ज्यादा जब भारत भवन बन गया, लेकिन उसके पहले मध्य प्रदेश कला परिषद थी। उस मध्य प्रदेश कला परिषद में तब अशोक जी को जरूरत थी प्रगतिशीलों की, परसाई भी आते थे उस समय, कमला प्रसाद भी आते थे, यहाँ श्रीकांत जी भी जाते थे, सभी लोग थे, चंद्रकांत देवताले भी आते थे। वो मध्य प्रदेश कला परिषद का दौर जी, जिस तरह की गोष्ठियां होती थी, इमरजेंसी के जमाने में भी गोष्ठी हुई थी। तो उस दौर के बाद फिर जब भारत भवन बन गया तो लगभग उस भारत भवन से जुड़ी हुई जो 80 के बाद का जो दौर है उसके बारे में कहना चाहूंगा। ऐसे 80 का दौर संक्रमण काल का दौर है जी, जी 70s जिसे कहते हैं, जो 80 तक जाके पूरा होता है, एक पूरा दौर है। वहां से परिवर्तन होता है, जो 80 और 90 के बीच वाला जो दशक हो बहुत महत्वपूर्ण दशक है, क्योंकि मैं देख रहा था तो उपन्यासों में नौकर की कमीज 79 की है, विनोद कुमार शुक्ल प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े रहे हैं जी, मुक्तिबोध के करीब थे, राजनाथ गांव के थे। विनोद जी की उस समय की जो स्थिति थी और जैसा उपन्यास लिखा था, जैसी पहला कविता संग्रह उनका था, 80 के बाद का दौर फिर एक जिसको मैं कहूँगा कि भारत भवन में पुनः अज्ञेय जी को बुलाए गए। वहीं अज्ञेय जी जाते थे भोपाल, लेकिन भारत भवन नहीं जाते थे, शाह साहब से मिल के चले आते थे। मलेच की मृत्यु हो चुकी थी और उसके बाद भारत भवन का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसको कहें कि जानबूझ करके प्रगतिशील विचारधाराओं के, परिवर्तनकामी विचारधाराओं के विरुद्ध एक कलावाद का, सत्ता दर्शन सौंदर्यवाद शुरू हुआ साहित्य में। आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि वो सत्ता की एक उत्सव धर्मी संस्कृति दिखाई देने लगी उसमें। सत्ता में फर्क है, मैंने कहा कि सत्ता का भी चरित्र बदला, क्योंकि उसी विचारधारा की परिणति 1991 में हुई, यानी उस बीच में सरकारें बहुत बदली हैं, आपने देखा, बदलती रही, बहुत अनस्थिरता थी हमारे लोकतंत्र में, और उस लोकतंत्र की चरम परिणत हुई थी नरसिंह राव का जब मंत्रिमंडल बना था, विश्वनाथ प्रताप सिंह का मंत्रिमंडल खत्म हुआ, बीजेपी का उदय हुआ है बड़े पैमाने पर इसी बीच में, और इसी पैमाने में लगभग देखें सोवियत समाजवाद का अंत होना जी। ये सब तो दुनिया जो दो केंद्र हुआ करते थे, दो ध्रुव थे, एक ध्रुवीय दुनिया हो गई, उसके
कारण हमारे अर्थतंत्र पर प्रभाव पड़ा, हमारे राजनीतिक तंत्र पर प्रभाव पड़ा, इसके समानांतर हमारे साहित्य में लगभग वह विचारधारा वामपंथी रघुवीर सहाय नहीं रहे। बातचीत को स्ट्रक्चर करने के लिए जरूरी है हाँ। कि थोड़ा व्यवस्थित रूप से बात हो, और ये बातचीत जारी रहेगी, और अगली बार आप ये सवाल पूछेंगे डॉक्टर साहब से, और अगली बार बातचीत में कुछ और साथी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो फिलहाल इस बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं।